नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में अमीर बनना हर कोई चाहता है। वह चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। तो दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर मौका हमारे हाथ आया है, नवरात्रि का। नवरात्रि को फिटकरी के ये उपयोग करके यहाँ पर रख दीजिए फिटकरी, आप हो जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, ये बहुत ही आसान उपाय है। प्राय फिटकरी को जो मनुष्य को फिट करे उसे फिटकरी कहा जाता है। यह लाल तथा सफेद दो प्रकार की होती है। फिटकरी एक प्रकार का चमत्कारी खनिज है जो प्राकृतिक रूप से हमें पत्थर की शक्ल में मिलता है, और इसलिए फिटकरी में बहुत गुण माने जाते हैं। इसके कई तरह के औषधीय उपयोग भी है और साथ ही साथ इसके टोटके भी है। औषधीय उपयोग के अलावा ज्योतिषों के अनुसार फिटकरी के कुछ और भी प्रयोग होते हैं, जिनको करने से हमें जीवन में लाभ प्राप्त किया जाता है। तो आज जानते हैं फिटकरी के वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम बन सकते हैं करोड़पति। मगर दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल आसान उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण उपाय। अगर आपका बच्चा सो नहीं पा रहा है, उसे नींद में खलल हो रही है या रात में बुरे सपने आते हैं, तो उसको बुरे सपने से मुक्ति मिल सकती है। आप सोने वाले के बिस्तर के नीचे काले कपड़े में फिटकरी बांध कर रखें और उसके बुरे सपने आना या नींद में चमकना किसी अनजान वैसे वह मुक्त हो जाता है। हमें यह उपाय किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी के टुकड़े को रख के करना है। अगर व्यापार में बरकत नहीं हो रहा है तो किसी या दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांधकर लटका दें, इससे बरकत बरकरार रहती है। अगर परिवार के सदस्यों में टकराहट होती है या झगड़े होते हैं तो परिवार का मुखिया रात्रि को अपने पलंग के नीचे एक लोटा पानी रख दे और सुबह गुरु मंत्र तथा इष्ट देव का नाम उच्चारण करके वह जल पीपल को चढ़ा दे, इससे पारिवारिक कलह दूर होती है और घर में शांति रहती है। साथ में इसको एक फिटकरी भी चढ़ा दे, ऐसा करने से पारिवारिक कलह समाप्त होगी। फिटकरी या नमक का एक कटोरा बाथरूम में खड़े नमक या फिटोरी से एक कटोरा भर ले। हर महीने इस कटोरे या फिटकरी को बदलते रहे। माना जाता है कि इसकी नमी के साथ साथ यह नमक आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। किसी प्रकार की घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। घर में बुरी आत्मा का साया नहीं रहता है और बुरी आत्माएं जाने से हमारे घर में अपने आप ही बरकत बनी रहती है। अगर हमारे घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो जाता है तो मकान के कमरे की खिड़की, दरवाजा या बालकनी ऐसी दिशा में खुले हैं जिससे कोई खंडनुमा मकान स्थित हो या वहाँ कोई उजाड़ जमीन या प्लाट पड़ा है जो बरसों से बंद हो, शमशान या कब्रिस्तान हो, तो यह एक अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसीलिए ऐसे मकान में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए किसी शीशे की प्लेट में कुछ छोटे फिटकरी के टुकड़े आदि खिड़की या दरवाजे की बालकनी के पास रख दे और उन्हें हर महीने नियम अनुसार मंगलवार या शनिवार को बदलते रहे, इससे वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर में प्रत्येक कमरे में या कार्यालय में किसी कोने में रख दे, वहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार ये उपाय आप नवरात्रि में करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल आसान उपाय को सब्सक्राइब कर सकते हैं।